requirements for fire exposure conditions of concrete as per IS code 456/2000. कोड के क्या रिक्वायरमेंट हैं एक्सपोजर कंडीशंस के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट कि कोड क्या बोलता है कि कितना मिनिमम कवर होना चाहिए, कितना मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होना चाहिए, कितना मिनिमम सीमेंट होना चाहिए, कितनी क्रैक विड्थ हम रख सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं। स्वागत है आपका CCEA सिविल कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग अकेडमी में। ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट यानी लाइफ ऑफ द कॉन्क्रीट, तो हम ये सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट आर द फाइव कंडीशंस ऑफ एनवायरमेंटल एक्सपोजर ऑफ कॉन्क्रीट। कौन कौन सी पांच कंडीशंस कोड ने बताई हैं जिसको एनवायरमेंटल एक्सपोजर के हिसाब से अलग अलग पांच डिविजन्स में या पांच कैटेगरीज में बांटा गया है कंडीशंस ऑफ एक्सपोजर के हिसाब से, जिनके हिसाब से हमें डिजाइन भी करनी पड़ती है और कंस्ट्रक्शन भी अकॉर्डिंगली करना पड़ता है। सबसे पहला है माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन, सेकंड है मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन, थर्ड है सीवियर एक्सपोजर कंडीशन, फोर्थ है वेरी सीवियर कंडीशन और लास्टली है एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन। ये पांच कैटेगरीज हैं, पांच कंडीशंस ऑफ एक्सपोजर हैं जिसमें जिसके हिसाब से हमें डिजाइन और कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है कंक्रीट में। अब आप देखेंगे कि पर्पस क्या है कि इनको पांच कैटेगरी में कोड ने डिवाइड किया है। इनका पर्पस ये है कि कोड ने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स एम्ड एट प्रोवाइडिंग द डिजायर्ड परफॉर्मेंस रिलेटेड टू द सीवियरिटी ऑफ द एक्सपोजर। इसका मतलब ये है कि मिनिमम परफॉर्मेंस यानी जो डिजायर्ड परफॉर्मेंस हमें मिलना चाहिए जिसके लिए हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो स्ट्रक्चर उतनी लाइफ के लिए उस पर्पस के लिए बना रहे हैं और जो सीवियरिटी ऑफ एक्सपोजर है यानी जिस कंडीशन में एक्सपोजर होना है वो एक्सपोजर भी होता रहे और हमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा काम भी हो जाए। अब आप देखिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहला मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होगा। कोड ने अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन के लिए M20 से लेके M40 ग्रेड तक मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट की श्रेणी में बांटा है। दूसरा कंक्रीट कोड ने बताया है कि मिनिमम क्लियर कवर कितना होना चाहिए। ये क्लियर कवर मिनिमम 20 एमएम से लेके 75 एमएम तक जाता है रीइंफोर्समेंट के लिए। और नेक्स्ट है मिनिमम सीमेंट कंटेंट, तो ये मिनिमम सीमेंट कंटेंट भी 300 केजी से लेके 360 केजी पर क्यूबिक मीटर फॉर 20 एमएम साइज एग्रीगेट्स के लिए कोड ने डिफाइन किया हुआ है कि ये डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से 300 से 360 केजी आपको लेना पड़ेगा। और इसके अलावा है मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, ये मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.55 से 0.4 तक यानी 0.55 किसके लिए लोगे आप माइल्ड के लिए और 0.4 किसके लिए लोगे मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन के लिए। इसी तरह से एक्सेप्टेबल लिमिट जो सरफेस विड्थ ऑफ द क्रैक की बताई है वो 0.1 mm से लेके 0.3 mm तक की कोड ने स्पेसिफाई की है। अब इन सबको हम जो है ना डिफरेंट डिफरेंट डिग्री ऑफ एक्सपोजर के हिसाब से मिनिमम रिक्वायरमेंट हम देखते हैं कि इसको टेबलर फॉर्म में कैसे हैं। और जो हम ये दिखाने जा रहे हैं ये हैं आपके 20 mm नॉमिनल साइज नॉर्मल एग्रीगेट के लिए। नॉर्मल एग्रीगेट का मतलब ये है कि ना तो ये हैवी एग्रीगेट है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है, ना ही ये लाइट वेट एग्रीगेट है, नॉर्मल एग्रीगेट है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.45 से लेकर 2.7 के आसपास होती है। और ये पांचों एक्सपोजर कंडीशंस के लिए अगले पेजेस में हम ये टेबुलर फॉर्म में मिनिमम रिक्वायरमेंट एज पर कोड देखते हैं। तो एक्सपोजर कंडीशन माइल्ड है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपोजर कंडीशन क्या है कि प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर और एग्रेसिव कंडीशन एक्सेप्ट इफ लोकेटेड इन कोस्टल एरिया। इसका मतलब यह है कि जो भी आपका कंक्रीट का मेंबर है वो वेदर से और एग्रेसिव कंडीशन से प्रोटेक्टेड है यानी उसके ऊपर छत डली है या जो भी है, लेकिन ये कोस्टल एरिया में नहीं है। कोस्टल एरिया में यदि है तो यदि प्रोटेक्टेड भी है तो हम उसको माइल्ड में नहीं लेंगे।
और इसमें मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जैसे हमने बताया था कि M20 से M40 तक है, तो यहाँ M20 ही है क्योंकि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट शुरुआत है ये, और मिनिमम कवर होता है 20 mm. यदि इसका रीइंफोर्समेंट डाया 12 mm या उससे कम है तो ये मिनिमम कवर 15 भी हो जाता है, इसलिए इसमें ये स्टार लगाया है। इसी तरह से मिनिमम सीमेंट कंटेंट 300 केजी पर क्यूबिक मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, जैसे हमने पहले बताया था कि 300 से 360 तक कोड ने मिनिमम सीमेंट कंटेंट दिया हुआ है, और मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो है 0.55। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, कई बार इसके क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है दूसरी कंडीशन है मॉडरेट। मॉडरेट कंडीशन को बोलते हैं कि सेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन, यानी इस तरह से कंक्रीट मेंबर जो सेल्टर्ड यानी उस पर छत है बहुत तेज बारिश से, एंड और फ्रीजिंग से भी ये बचा हुआ है, जब गीला है तो फ्रीजिंग भी नहीं हो रही है, या एक्सपोज टू कंडेंसेशन एंड रेन, या ना तो ये फ्री है कहाँ से, ना तो ये फ्रीज हो रहा है ना कंडेंसेशन और रेन में वो एक्सपोज है, और कंटिन्यूसली अंडर वाटर भी नहीं है, आर इन कॉन्टेक्ट विथ आर बरीड अंडर नॉन एग्रेसिव सॉयल, ये ग्राउंड वाटर आर सेल्टर्ड फ्रॉम सेचुरेटेड साल्ट एयर एंड कोस्टल एरिया, यानी जो कोस्टल एरिया में साल्ट एयर होती है, जो नमकीन एयर होती है उससे भी ये बचा हुआ है, सेल्टर्ड है, और नॉन एग्रेसिव सॉयल या ग्राउंड वाटर से टच में है। यदि ये फाउंडेशन में है तो ये उसमें जो सॉयल है वो नॉन एग्रेसिव सॉयल है, इसका मतलब उसमें बहुत ज्यादा साल्ट या केमिकल्स नहीं है, ऑर्डिनरी ग्राउंड वाटर है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे मॉडरेट कंडीशन, और इसमें मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा M25, और इसका आपका मिनिमम कवर होगा आपका 30 mm, मिनिमम कंक्रीट सीमेंट क्वांटिटी होगी 300 kg/m³, और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो होगी 0.5। पहले माइल में कितनी थी, 0.55, सीमेंट उसमें भी 300 था, यहां भी 300 है, वहां पे था आपका कवर 20 mm, यहां कवर हो गया आपका 30 mm, और वहां M20 था और यहां हो गया M25 मॉडरेट के लिए। नेक्स्ट है आपका सीवियर कंडीशन, थर्ड सीवियर कंडीशन। सीवियर कंडीशन है एक्सपोज टू सीवियर रेन, यानी बहुत तेज बारिश के लिए एक्सपोज है वो मेंबर, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग है, यानी गीला हो रहा फिर सूख रहा, गीला हो रहा फिर सूख रहा, या फिर ओकेशनल फ्रीजिंग वाइल्स बैट, यानी कभी कभार ओकेशनल फ्रीजिंग भी हो जाती है, यानी बर्फ भी जम जाती है जब गीला है तो, या सीवियर कंडेंसेशन है यानी बहुत तेज कंडेंसेशन है ना बारिश है, या फिर कंप्लीटली इमर्स्ड इन सी वाटर, या फिर समुद्री पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है, ऐसा नहीं कि डूबा है फिर निकल रहा है, डूबा फिर निकल रहा है, वो इसमें कैटेगरी में नहीं आता, कंप्लीटली डूबा हुआ है, और एक्सपोज टू कोस्टल एनवायरनमेंट, या समुद्र के किनारे कोई कोस्टल एनवायरनमेंट में वो स्ट्रक्चर या वो कंक्रीट मेंबर है, तो उसको हम बोलेंगे सीवियर एक्सपोजर, और इसमें मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट रहेगी M30, और ये मिनिमम कवर रहेगा 45 mm, एंड कैन बी यूज रिड्यूस बाई 5 mm इफ M35 और हायर ग्रेड इज यूज, यानी यही M30 ग्रेड है हमारी मिनिमम, और M30 की जगह M35 ग्रेड यूज करते हैं इस सीवियर एक्सपोजर कंडीशन में, तो 45 mm की जगह हम 40 mm भी कवर यूज कर सकते हैं। अब 300 की जगह 320 kg/m³ इसका सीमेंट रिक्वायरमेंट हो जाएगा पर क्यूबिक मीटर, और इसका वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 से घटके 0.45 पे आ गया। नेक्स्ट है आपका फोर्थ कंडीशन है वेरी सीवियर एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे। सी वाटर स्प्रे का मतलब होता है कि पानी की थपेड़े लग रहे हैं उसमें, उसको बोलते हैं सी वाटर स्प्रे। करोजो फ्यूम्स, यानी ऐसी फ्यूम्स जिसमें करोजन है, ऐसे फ्यूम्स यानी ऐसी गैसेस, यार सीवियर फ्रीजिंग वाइल्स बैट, यानी
भयंकर ठंड होके वो जम जाता है भयंकर, या फिर इन कांटेक्ट विथ और बरीड अंडर एग्रेसिव सबसॉइल। एग्रेसिव सबसॉइल यानी खतरनाक आपके सॉल्ट्स वगैरह की है आपकी सबसॉइल में, यानी फाउंडेशन में या जिस ग्राउंड वाटर के अंदर है वो कंक्रीट का मेंबर वहां पे सबसॉइल है, तो उसको हम कहेंगे वेरी सीवियर। और ये कहेंगे M35, इसके लिए मिनिमम कंक्रीट की ग्रेड रहेगी 50 mm का मिनिमम कवर रहेगा, 320 की जगह अब 340 kg पर MQ इसका सीमेंट रिक्वायरमेंट हो गया, और 0.45 आपका वाटर सीमेंट रेशो मैक्सिमम रह गया। अब लास्टली है हमारा एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ एक्सपोजर। एक्सट्रीम में क्या है, मेंबर्स इन टाइडल जोन। टाइडल जोन यानी ज्वार भाटा समुद्र के किनारे जो आते हैं, सुबह शाम आपका पानी का लेवल घटता बढ़ता है, पूर्णमास या अमावस्या को घटता बढ़ता है, तो ये टाइडल जोन बोलते हैं। उस टाइडल जोन के अंदर यदि मेंबर है, या फिर मेंबर्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद लिक्विड या सॉलिड एग्रेसिव केमिकल्स, यानी ऐसी फैक्ट्री के किनारे आपका या फैक्ट्री में आपका स्ट्रक्चर या मेंबर है जो उससे जो लिक्विड या केमिकल निकल रहे हैं वो एग्रेसिव है, खतरनाक है, तो भी आपका एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन में माना जाएगा। और उसमें मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट ऑफ लास्टली M40 हो गई, आपका 20 mm से कवर बढ़ते बढ़ते 75 mm हो गया, 300 kg की जगह आपका 360 kg हो गया, 300 आपको माइल्ड के लिए चाहिए था, और 0.4 मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो हो गया, जो 0.55 था माइल्ड के लिए वो हो गया 0.4। तो अब इसमें नोट दिया है कि द अबव कंडीशंस वैलिड फॉर 20 mm नॉमिनल साइज एग्रीगेट फॉर RCC, यानी 20 mm नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट के लिए ही ये कंडीशंस हैं। क्लियर कवर इन माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन कैन बी रिड्यूस टू 15 mm, हमने बताया था जो 15 mm कर सकते हैं 20 की जगह, इफ मैक्सिमम बार डायमीटर इज 12 mm, यदि 12 mm से या 12 mm या उससे कम की मैक्सिमम डाया बार है तो हम 20 की जगह 15 mm भी कर सकते हैं कवर, कहाँ पे, माइल्ड एक्सपोजर के लिए। तो ये थे हमारे कोडल रिक्वायरमेंट्स फॉर डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशंस। थैंक यू वेरी मच।